खलासी लाइन में भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें खलासी लाइन में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन एवं पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लाइव प्रसारण को भी सुना तथा संबंधित जानकारी दी। सर, आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, सारनपुर में भी कार्यक्रम रखा गया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर चलिए, आज जो अंत्योदय का विचार था वह जन जन का विचार था। आज वैचारिक रूप से इस देश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो वैचारिक पत्थरता के साथ काम कर रहा है। हमने जो पंचनिष्ठा ली थी, आज भी हम उन पर काम कर रहे हैं, और वो पंचनिष्ठा लोक कल्याण की पंचनिष्ठा थी। तो आज हमारे लिए हर्ष का विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपना ध्वज का रोहण कर रहे हैं, और कार्यक्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। सभी लोग, सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ग्रहण कर रहे हैं। हकीकत नगर कार्यालय पर आरएलडी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा मासिक बैठक आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें हकीकत नगर कार्यालय पर आरएलडी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की गई तथा संबंधित जानकारी दी। मैं चौधरी नीरपाल सिंह, राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और आज हमने जो ये मीटिंग रखी है राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की, एक तो पार्टी द्वारा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब का जन्मदिन प्रारंभिक तौर से भव्य रूप से मनाया जाएगा पार्टी द्वारा, जिसमें संदेश दिया जाएगा युवाओं को कि बाबा साहब से प्रेरणा लें, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के इस नए भारत का निर्माण करें, और किस तरीके से हमारा देश के लिए योगदान हो। बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, और आने वाली 6 मई को हम बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन सहारनपुर में करने जा रहे हैं, क्योंकि 6 मई को हमारे किसानों के नेता, महान नेता, किसानों के मसीहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है 6 मई को, और बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम किया जाएगा। आज विचार विमर्श किया जा रहा बैठक में, क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है, और आज भाजपा ने किस तरीके से महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, सिलेंडर देखिए कितने का, खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल डीजल हर चीज़ पे इतना असर पड़ रहा है, तो इसलिए हम एक रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अब की बार जनता मन बना के बैठी है कि भाजपा को वोट की चोट देनी है और भाजपा का सूपड़ा साफ करना है। तो हमारी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में और निकाय चुनाव में परचम लहराएगी, क्योंकि ये 2024 लोकसभा का टेलर है, सेमीफाइनल है, और 2024 में मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर से किसानों की सरकार बैठेगी, और जयंत चौधरी जी के बगैर, राष्ट्रीय लोकदल के बगैर अब की बार केंद्र में सरकार किसी की नहीं बनेगी। राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन से सरकार बनेगी और किसान मजदूरों को सरकार बनेगी, किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, सबको न्याय मिलेगा। पुलिस लाइन पहुंचे व्यापारी, एक व्यक्ति पर लगाया ठगी का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही, कही बात दी जानकारी। आपको बता दें पुलिस लाइन आज व्यापारी पहुंचे, जिन्होंने एक व्यक्ति पर ठगी का आरोप लगाते हुए बताया कि एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ ठगी की गई, जिसमें पुलिस द्वारा अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वह आज इसी मामले को लेकर एसपी सिटी के पास पहुंचे और उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए संबंधित जानकारी दी। जी, आज एसपी सिटी महोदय पे हम एक बार पुनः फिर आए हैं। ये एक सुनील त्यागी नाम का शख्स था, जो नारायणपुरी मंदिर में जो है कर्मचारी था वहाँ की धर्मशाला का, और वो हमारे से कुछ समय पहले सामान ले गया, बर्तन भिगोने वगैरह, और ऐसे ही हमारे पड़ोसी थे आनंद टेंट हाउस वाले, उनसे भी वो बर्तन भिगोने वगैरह ले गया, तो कहने लगा मैं कुछ समय बाद दे दूंगा। हमने उसके आधार कार्ड, पहचान पत्र सब हमने अपने पास रख लिए थे, तो जब हम कुछ समय बाद उनके वहाँ गए पता करने, तो वो व्यक्ति वहाँ पर फरार हो चुका था, वहाँ पर वो मिला नहीं था।
तो हमने पहले थाना सदर बाजार में एप्लीकेशन दी थी, तो हमारी कुछ इस तरह बात सुनवाई नहीं हुई। हमने SPCT महोदय साहब को इस मामले में संज्ञान में डाला सारा। तो 15 मार्च से हमारी FIR लॉन्च हो रखी है और अभी तक वो व्यक्ति सुनील त्यागी पकड़ में नहीं आया पुलिस की। तो अब वो अपराधी सरेआम घूम रहा है, 420 है वो नटवरलाल है, और हमारे से पहले भी वो कई व्यक्तियों के साथ इस तरह का दुहासिक काम कर चुका है, चोर बाजारी का और लूटने का। ये हमारे बराबर में खड़े हैं कुछ लोग। जी ये लाख रुपए तक का सामान हमारा था, बर्तन भिगोने ट्रे प्लेटें है ना, और 70-80 हज़ार का सामान हमारे पड़ोसी का था जो आनंद टेंट हाउस वाले हैं। और इस तरह पहले भी वो कई लोगों का बेवकूफ़ बनाकर किसी किसी जगह के नाम से पैसे और जो है सामान के नाम से रुपए ठग चुका है वो। कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक वो अपराधी घूम रहा है और 15 मार्च से FIR लॉन्च हो चुकी है उस पर, और अभी तक कोई भी हमें संतोषजनक सामान नहीं मिला और कोई वो अपराधी भी नहीं पकड़ा गया। ये देखिए आप, अब हम दोबारा SPCT साहब पे आए हैं कि भाई इस पर कुछ उचित कार्रवाई करवाई जाए, देखिए हमारा सामान बरामद कराया जाए और जो लोग पहले से भी पीड़ित हैं उसके द्वारा किए गए उनको भी न्याय मिलना चाहिए। वो भी सब साथ हमें आए हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं वो भी। जनमंच सभागार में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं आवास योजना की चाबी की गई वितरित। आपको बता दें जनमंच सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित की गई। इस संबंध में लाभार्थियों ने जानकारी भी दी। जी आपका नाम? केला भारती। कहाँ के रहने वाले? मलिपुर रोड विशाल विहार जानपुर सांपुर। क्या सर्टिफिकेट दिए गए यहां? जी ये 10,000 रुपए सिलाई के लिए महिलाओं के लिए दिए गए। मेरा ग्रुप है बना रखा, मैंने सबको 10,000 रुपए दिए। तो सरकार द्वारा इतने महिलाओं के लिए कार्य किए जा रहे, क्या कहना चाहेंगे? बस सिलाई करना चाह रही है महिला, सब बेचारी काम करने के लिए दुआए हैं, फिर आगे मिलते रहेंगे, काम करती रहेंगी बेचारी, आगे बढ़ती रहेंगी सरकार के इस कार्य से। हाँ जी हाँ जी जी। आपका नाम? कांता शर्मा। कहाँ के रहने? विशाल विहार। आज दिए गए जी ये लोन मिला था 10,000 का काम करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए जैसे योगी सरकार से, तो वो आज हमें सर्टिफिकेट मिले हैं उसके, तो इसलिए धन्यवाद। अच्छा काम हो रहा है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी मोदी जिंदाबाद। नागल टपरी रोड पर हुआ भयंकर एक्सीडेंट, तेज गति से आ रही कार से टकराई बाइक, बाइक सवार की हालत गंभीर। आपको बता दे थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नागल टपरी रोड पर भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिसमें तेज गति से आ रही कार से एक बाइक सवार टकरा गया जिसको गंभीर चोटें आई हैं। आसपास जा रहे राहगीरों ने घायल को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया है जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, तो वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। चंदर नगर में कई दिनों से बंद पड़े मकान में चोरों ने की चोरी, पुलिस मौके पर जांच में जुटी। आपको बता दें चंदर नगर में कई दिनों से बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार मकान मालिक काफी समय से बाहर गए हुए थे और मकान बंद पड़ा था जिसमें चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, तो वहीं मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तहरीर के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। मैं सुशील कुमार गर्ग भारतीय खाद्य निगम से रिटायर्ड कर्मचारी हूं। मैं चंद्रनगर का निवासी हूं। मैं लगभग 6 माह पूर्व अपने बड़े बेटे के यहां गुड़गांव में रहने गया था। आज दिनांक 6 अप्रैल को मैं लगभग 6 बजे वापस आया हूं, तो मुझे मकान का ताला टूटा मिला और सारा सामान तितर बितर हुआ मिला है। कुछ नुकसान भी हुआ है जिसका विवरण अभी नहीं दिया जा सकता है। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व भी 2014 अक्टूबर में मेरे यहाँ चोरी हुई थी,
जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, चूँकि उस समय मेरी बेटी की सगाई करके आया था और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन मुजरिमान आज तक पकड़े नहीं गए। उसका मुझे खेद है। वार्ड 39 के इंदिरा गांधी कॉलोनी में शिव मंदिर में हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ कर मनाया हनुमान जी का जन्मोत्सव। आपको बता दें, वार्ड 39 के इंदिरा कॉलोनी के शिव मंदिर पर श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष में हनुमान चालीसा का पाठ विधिवत पूजा अर्चना कर शुरू किया गया, जिसका भोग शाम के समय लगाया गया। भक्तजनों ने पूरी निष्ठा व आस्था के साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, उसके बाद हनुमान जी की भव्य आरती कर प्रसाद बांटा गया। भक्तों ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी रक्षा करो, जहां कोई नहीं आता वहां हनुमान आते हैं के धार्मिक भजनों पर झूमते हुए भक्तजनों ने भगवान हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी हाजिरी लगवाई। कोतवाली नगर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली नगर पुलिस ने शातिर नशा तस्कर नरेंद्र गिहार पुत्र राजकुमार को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 120 ग्राम चरस बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राहुल, हेड कांस्टेबल श्रवण, कांस्टेबल राहुल मौजूद रहे। जनमंच से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने 40 टेम्पो एवं 7 ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 343.23 लाख रुपए मूल्य के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 40 टेम्पो एवं 7 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर जनमंच परिसर से रवाना किया।